2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने में तो कामयाब रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए विधानसभा चुनाव ठीक साबित नहीं रहा। लेकिन अब वही केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ा ऑफर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिया जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में खेल बिगड़ना शुरू हो चुका है? नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद समीक्षा बैठक लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की होती है, जिसमें केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए जेपी नड्डा मौजूद होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए मौजूद होते हैं, सूबे के तमाम सांसद विधायक मौजूद होते हैं और एक बड़ी बैठक की जाती है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में हार की क्या वजह हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य का उस दौरान एक बड़ा बयान सामने आ जाता है कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा ही रहेगा। ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित होता हुआ नजर आए। इसी बीच में जिस तरीके से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा ऑफर एक बार फिर से आ जाता है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए, और 2022 के करीब भी यहाँ पर यही विधानसभा चुनाव के बीच में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया था कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो क्या इस कड़ी में ये देखा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य बड़ा खेल बिगाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का नजर आ सकते हैं? जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट हैं, भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें जीतती हुई नजर आई थी, 111 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अब 100 विधायकों को लाने की बात यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ये कदम उठाते हुए नजर आएंगे? ये जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, इसी बीच में एबीपी न्यूज की बात करें तो उनकी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आती है जिसका पोस्टर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसमें एबीपी न्यूज द्वारा लिखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से सीएम बन सकते हैं। ये जो ब्रेकिंग पोस्टर है, इससे ये दर्शाया जा रहा है कि हम आप नहीं बल्कि पूरा मीडिया चैनल कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जरूर खेल बिगाड़ सकते हैं, जरूर खेला कर सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या सपा जिस तरीके से दावा कर रही है, क्या सपा को फायदा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।